हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियलमी 2 के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसलिए कि आपका रियलमी 2 जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रहा है, मतलब कॉल आने से बंद हो जा रहा है, या तो आप किसी काम कर रहे हो अचानक जो है मोबाइल स्विच ऑफ होकर फिर ऑन हो जा रहा है, या तो आपका अगर यूट्यूब खोलते हो, कैमरा ओपन करते हो, कैमरा में वीडियो क्लिक करते हो, तभी जो है आपका मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ होकर फिर ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और आप चाहते हो कि अपना मोबाइल जो है ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, तो आप लोग अगर किसी रिपेयरिंग शॉप में सोच लो लेके चल भी जाते हो तो वो बोलेगा कि आपका बैटरी खराब हो चुका है, आपका ये जो बैटरी है मोबाइल का बैटरी है खराब हो चुका है। लेकिन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपका मोबाइल बिना बैटरी चेंज किए कैसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसमें बैटरी का प्रॉब्लम तो है लेकिन बैटरी का प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी का ऊपर में जो एक कनेक्टर है ना, एक कनेक्टर लगा रहता है, सभी बैटरी में एक कनेक्टर लगा रहता है, इस कनेक्टर में प्रॉब्लम है। और इसको आपको चेंज भी करना नहीं पड़ेगा, छोटा सा एक जम्पर लगाना है और आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा या तो बैटरी चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या करना है क्या नहीं, मैं आपको ये मोबाइल खोल के दिखाता हूं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो ना दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो तो आपको देखने मिलेगा ही। बाद में आपको कोरियर्स में आप अगर आपका कोई भी मोबाइल ऐसे खराब हो जाता है और आप उसको उधर बना नहीं पा रहे हो, या तो बहुत ज्यादा पैसा बोल रहा है, 4,000, 5,000, 6,000 रुपया बोल रहा है, तो आप हमें भेज के अपना मोबाइल को रिपेयर करा सकते हो, या तो मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो कि क्या हुआ है, कितना पैसा खर्चा होगा। देखिए दोस्तों, ये जो है रियलमी का मोबाइल है, आपको दिख रहा होगा ये रियलमी का मोबाइल है, लेकिन इसमें लगा है ओप्पो का बैटरी। आप ब्रांडिंग देख सकते हो ओप्पो का बैटरी, और ओप्पो का बैटरी में ये जो कनेक्टर ऊपर में लगा है, बैटरी का ऊपर में एक कनेक्टर लगा है, उसमें क्या करना है मैं दिखाता हूं। ये भी सेम ओप्पो का बैटरी है और उसका कनेक्टर है, मैंने इसको खोला है और आपको दिखाने के लिए ही खोला है कि आपको क्या करना है। ये आपको एक सर्किट दिख रहा होगा और सर्किट में एक कंपोनेंट दिख रहा होगा इस जगह में, जिसमें कि क्यू लिखा है। ये देखिए इधर है कि क्यू लिखा है, छोटा सा कंपोनेंट है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इधर अगर आपको ठीक से दिख रहा है तो दिख रहा है ये जो छोटा सा कंपोनेंट है, दोनों तरफ स्टील के जैसा दिख रहा है और मिडिल में ब्लैक, कौन सा ए वाला, ये जो कनेक्टर है, ये जो छोटा सा, ठीक है। आपको क्या करना है ना, ओनली इधर से इधर तक जम्पर लगाना है, ठीक है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो मैं अच्छा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, देखते हैं ये जो फोकस कर पाता है कि नहीं, ठीक है। इस जगह से इस जगह को आपको जम्पर लगाना है ओनली, और दूसरा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें दूसरा कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ये जो कंपोनेंट है ये शॉर्ट हो चुका है तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली ये चीज को क्या करना है, अपना मोबाइल में निकाल के, अगर आपका कोई रिलेशन वाला है या तो जानकारी वाला है जो कि मोबाइल खोलता है, आपका दोस्त है, यार है, किसी का भी शॉप है, तो उसके पास लेके जाओ और बोलो भाई ऐसा ऐसा करना है। अगर हो सके मुझे कॉन्टैक्ट भी कर लेना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो में आखिरी में दे दूंगा, कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना और पूछ के आराम से इसको जम्पर लगा लेना, आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको दूसरा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, बैटरी चेंज करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। दोस्तों समझ में आया है क्या करना है क्या नहीं करना है? अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।